खबर सिवान से है, जहां लूट की एक बाइक और दो मोबाइल के साथ दो बदमाशों को सिवान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया कि सिवान पुलिस को उस समय सफलता मिली जब वाहन चेकिंग के दौरान दो अपराधियों को धर दबोचा गया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बगीचा के पास से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक 315 बोर की जिंदा गोली, लूटी गई होंडा मोटरसाइकिल और लूटी गई दो मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना दिनांक 27/10/23 को घटी थी, लेकिन वादी ने विलम्ब से थाना को सूचना दी थी और केस हुआ था 2 नवम्बर 2023 को। उस घटना में एक व्यक्ति का एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल दो अपराधकर्मियों के द्वारा लूट लिया गया था। थाना में कांड को दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष और इंस्पेक्टर मुफसिल ने इस कांड का अनुसंधान शुरू किया और इसमें जो भी सूत्र प्राप्त किया जा सकता है, मानवीय और दो तकनीकी सूत्र प्राप्त करके कल दिनांक 2/11/23 को, नहीं 2/11/23 नहीं, कल दिनांक 26/11/23 को दो अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया। उनके पास एक पिस्टल और कट्टा बरामद हुआ। उनसे जब पूछताछ किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि दिनांक 27/10/23 को जो लूट की घटना घटी थी, इन्हीं दोनों के द्वारा वह लूट की घटना की गई थी और इन लोगों ने जो मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा था उसकी भी निशानदेही इन्होंने कराई पुलिस को और पुलिस ने उस घटना में लूटे गए मोटरसाइकिल और दोनों मोबाइल को इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। यानी घटना में जो मोटरसाइकिल लूटी गई और जो मोबाइल लूटी गई उसको पुलिस ने पूरा बरामद कर लिया और दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी कर ली। सिवान से अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।